खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण न करने तथा कारण बताओ नोटिस का संतोषजनक उत्तर न देने पर दो कनिष्ठ अभियंताओं के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। अधीक्षण अभियंता पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी रीवा ने कनिष्ठ अभियंता गुड़ आकाश दीप जायसवाल तथा प्रभारी अधिकारी वितरण केंद्र मऊगंज दो पुष्पेन तिवारी की एक एक वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में जारी अलग अलग आदेशों के अनुसार श्री जायसवाल द्वारा सीएम हेल्पलाइन की 147 शिकायतों में से केवल 5 का निराकरण किया गया। नवंबर माह में गुड़ वितरण केंद्र में 697 शिकायतें सीएम हेल्पलाइन में दर्ज हुई, जिनमें से केवल 231 का निराकरण किया गया। इसका प्रतिशत मात्र 33 रहा। इससे जिले की रैंकिंग प्रभावित हुई। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई है। इसी तरह पुष्पेन तिवारी द्वारा मऊगंज वितरण केंद्र 2 में प्राप्त सीएम हेल्पलाइन की 117 शिकायतों में से केवल 47 का निराकरण किया गया है। श्री तिवारी द्वारा नवंबर माह में प्राप्त 803 शिकायतों में से 385 का ही निराकरण किया गया, जो आवेदन पत्रों का 48% है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए वेतन वृद्धि रोकने की कार्यवाही की गई।